हेलो फ्रेंड्स, प्रीलिम स्पेशल डेली स्टैटिक एमसीक्यू डिस्कशन में आपका स्वागत है। हम आज अपने डिस्कशन में पर्यावरण पारिस्थितिकी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उससे जुड़े हुए कॉन्सेप्ट पर विचार करेंगे। चलिए हम आज का अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारे डिस्कशन का पहला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडलीय खतरे हैं? आपको चार ऐसे खतरों के बारे में दिया गया है। आपको पहचानना है कि इन खतरों का कारण वायुमंडल है या फिर नहीं है। आपके दिए गए ऑप्शन में उष्णकटिबंधीय चक्रवात, गरज के साथ वर्षा, हिमस्खलन और ओलावृष्टि है। आपको बताना है कि ये वायुमंडल की वजह से होते हैं या फिर नहीं होते हैं। फ्रेंड्स, यदि हम बात करें वायुमंडलीय खतरे का, तो ये एक ऐसी गतिविधि है जिसके माध्यम से वायुमंडल आपातकाल या फिर आपदा का कारण बनता है। तो आप निश्चित रूप से जानते हैं कि वायुमंडल यानी कि वायुव्य गतिविधि के कारण ही चक्रवात आता है, यानी कि पहला कथन जो दिया गया है वो बिल्कुल सही है। गरज के साथ वर्षा का भी जो कारण है वो वायुमंडल ही होता है। यदि वायुमंडल नहीं होता, यदि क्षोभ मंडल नहीं होता, तो वर्षा और गरज के साथ बादल नहीं होते। हिमस्खलन इस तरह से कनेक्टेड है कि यदि ज्यादा मात्रा में वर्षा हो जाती है या फिर ज्यादा मात्रा में बर्फबारी हो जाती है, तो इसके बाद हिमस्खलन संबंधी गतिविधि होती है और आप कहेंगे कि ये भी वायुमंडलीय खतरे का एक कारण है। ओलावृष्टि, आप जान रहे हैं कि यदि कुछ क्षेत्रों में वायु में आर्द्रता बढ़ जाती है तो उसके बाद ओलावृष्टि संबंधी गतिविधियां होती हैं, तो आप कहेंगे कि यहाँ दिए गए सारे खतरे वायुमंडलीय खतरे के अंतर्गत आती हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। आप इसे ध्यान में रखेंगे। यदि हम बात करें इसी तरह के कुछ अन्य वायुमंडलीय खतरों का, तो तूफान, बिजली का चमकना, हिमस्खलन या फिर शीतकालीन तूफान इत्यादि वो गतिविधियां हैं जो वायुमंडलीय वजहों से होती हैं। तो इन सारी बातों को आप ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हमारे डिस्कशन का दूसरा प्रश्न क्या कहता है, भारत के लिए राष्ट्रीय आपदा जोखिम सूचकांक किसके द्वारा तैयार किया जाता है? आपको उन दो संस्थानों के नाम चुनने हैं जिनके द्वारा राष्ट्रीय आपदा जोखिम सूचकांक तैयार किया जाता है। आपके दिए गए संस्थानों में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि NDMA दिया गया है। आपको बताना है कि इस सूचकांक को किनके द्वारा तैयार किया जाता है। फ्रेंड्स, आपको इन चारों में से दो संस्थानों का ही चयन करना है, क्योंकि आप नीचे दिए गए ऑप्शन को देख रहे होंगे। आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि इसे भारत सरकार के गृह मंत्रालय और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि UNDP के द्वारा इसे तैयार किया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। याद रखेंगे, ये पहली बार तैयार किया गया है, आपदा UPSC प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यदि हम बात करें इस रिपोर्ट के अंतर्गत, इस सूचकांक के अंतर्गत, तो पूरे भारत के लगभग 640 जिलों को, साथ ही सभी यूनियन टेरिटरी को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है और बताया गया है कि कौन सा जिला या फिर कौन सा यूनियन टेरिटरी है जो आपदा के लिए सबसे ज्यादा खतरे का सामना करने वाला है या फिर कर रहा है, चाहे वो खतरा मानवीय हो या फिर प्राकृतिक हो। इस रिपोर्ट के अंतर्गत, इस सूचकांक के अंतर्गत इस बात को नोटिफाई किया गया है कि जो खतरे का कारण है वो जनसंख्या का लगातार बढ़ना, कृषि संबंधी अवैज्ञानिक तकनीक, पशुपालन इत्यादि गतिविधि, ये वो कारण है जो पर्यावरणीय जोखिम का वजह बनने वाले हैं। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। हमारे डिस्कशन का अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहां पर आपको तीन कथन दिए गए हैं, सही कथन की पहचान करनी है। पहला कथन कहता है, सेंडाई फ्रेमवर्क ह्यूगो फ्रेमवर्क एक्शन 2005 से 2015 के लिए उत्तराधिकारी उपकरण है। हम एक एक करके देखते हैं और समझते चलते हैं।
उसके बाद लास्ट में हम इसके आंसर को ढूंढने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, यदि हम बात करें आपदा प्रबंधन के बारे में, तो सबसे पहले आपदा जोखिम को कम करने के लिए 2005 में ह्यूगो फ्रेमवर्क लाया गया था। ह्यूगो फ्रेमवर्क कहने का मतलब ये एक ऐसा ढांचा जिसके अंतर्गत पूरे विश्व में आपदा को किस तरह से कम किया जाए, आपदा से होने वाले जोखिमों को किस तरह से कम किया जाए, इन सारी बातों को एक मंच पर बात किया गया, उसके लिए कुछ ढांचा तैयार किए गए और उन ढांचों को लागू करके आपदा के प्रकोप को कम करने की कोशिश की गई थी। याद रखेंगे यह सबसे पहले कब आया था, 2005 में, और कहां आया था, ह्यूगो फ्रेमवर्क के अंतर्गत आया था। उसके बाद कुछ समय के बाद इसी फ्रेमवर्क के अंतर्गत 10 सालों की समय सीमा रखी गई, जिसके अंतर्गत ये कहा गया कि इस कुछ प्रावधानों को लागू करते हुए सभी देश आपसी सहमति के साथ इन फ्रेमवर्क को लागू करेंगे, जिसकी समय सीमा 2005 से 2015 तक रखी गई थी। आगे चल के जब 2015 में यही समाप्त हो जाता है, तो ये जो समझौता था वो आगे बढ़ता है और सेंडाई फ्रेमवर्क का एक नया दिशा निर्देश जारी किया जाता है। और ये जो सेंडाई फ्रेमवर्क जारी किया गया, उसमें आपदा जोखिम को कम करने के लिए 2015 से 2030 तक कुछ मानदंड रखे गए थे। अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है। पहला कहता है कि सेंडाई फ्रेमवर्क जो था वो ह्यूगो फ्रेमवर्क एक्शन जो 2005 से 2015 के लिए आया था उसका उत्तराधिकारी उपकरण था। बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले ह्यूगो फ्रेमवर्क आया, उसको जब इसका कार्यकाल समाप्त हो गया, जब इसकी अवधि समाप्त हो गई, तो फिर सेंडाई फ्रेमवर्क आया था, यानी कि पहला बिल्कुल सही है। दूसरा कथन क्या कहता है कि इसका उद्देश्य केवल प्राकृतिक आपदाओं को कम करना, रोकना और शमन करना था। फ्रेंड्स, जब कभी भी आपको किसी कथन में केवल शब्द दिया जाता है, आप उसे आराम से पढ़ें, उसे देखें कि क्या आपके लिए ये ट्रैप है, क्या ये गलत हो सकता है। तो यदि हम बात करें इस दूसरे कथन का, तो ये गलत है, क्योंकि सेंडाई फ्रेमवर्क के अंतर्गत आपदा चाहे किसी भी वजह से हो, प्राकृतिक कारण से हो, मानव निर्मित कारण से हो, केमिकल की वजह से हो रहा हो, या फिर समुद्री क्षेत्र में हो रहा हो, छोटे स्तर पर हो रहा हो, बड़े स्तर पर हो रहा हो, सभी तरह के आपदा के जोखिम को कम करने के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क के अंतर्गत उद्देश्य रखे गए थे, यानी कि दूसरा कथन जो है वो गलत है। तीसरा कथन क्या कहता है, सेंडाई फ्रेमवर्क पहला अंतरराष्ट्रीय बाध्यकारी समझौता था जो 2015 के बाद विकास एजेंडे के संदर्भ में अपनाया गया था। फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे कि सेंडाई फ्रेमवर्क जो आपदा जोखिम को कम करने के क्षेत्र में कार्य करता है, ये बाध्यकारी समझौता नहीं है। ये जो भी देश इसके सदस्य हैं उन लोगों पर स्वैच्छिक रूप से लागू होता है। यदि इनके फ्रेमवर्क को संबंधित देश लागू करना चाहते हैं तो करें, नहीं लागू करना चाहते हैं तो न करें। सेंडाई फ्रेमवर्क बाध्यकारी समझौता नहीं है, यानी कि दूसरा और तीसरा दोनों कथन गलत हो जाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। आई होप कि आप सेंडाई फ्रेमवर्क से जुड़े हुए उन बातों को समझ गए होंगे जो क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। यदि हम बात करें भारत का, तो क्या भारत इस समझौते का हिस्सादार है, तो जी हाँ, भारत इसको हस्ताक्षर करता है और भारत इसको स्वैच्छिक रूप से लागू करने की भी कोशिश करता है। तो आप इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे, यहाँ बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। आप हमारे द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले PDF को प्राप्त करने के बाद 2 से 3 बार इसे पढ़ें, दोहराएं, आपका निश्चित रूप से अच्छा रिजल्ट होएगा। हमारे डिस्कशन का अगला प्रश्न क्या कहता है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष यानी कि स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहां 2 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन कहता है, केंद्र सरकार सामान्य श्रेणी के राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड आवंटन का 50% और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90% योगदान करती है।
दूसरा कथन कहता है, राज्य सरकार SDRF के तहत उपलब्ध धन का 25% तक का उपयोग तत्काल राहत प्रदान करने के लिए कर सकती है, जिसे ये वे राज्य के स्थानीय संदर्भ में आपदा मानते हैं जो आपदा की अधिसूचित सूची में शामिल नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं इस कोष के बारे में। फ्रेंड्स, यदि हम बात करें राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष का, तो ये एक ऐसा कोष है जिसे आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को 2005 के अधिनियम के अंतर्गत एक एक कोष को निर्मित करने की बात कही गई थी। यानी कि केंद्र स्तर पर भी आपदा से निपटने के लिए एक कोष होगा, एक फंड होगा, और राज्य स्तर पर भी एक फंड होगा। जो केंद्र स्तर पर होगा वहां पैसे तो 100% केंद्र सरकार के द्वारा ही दिया जाएगा, लेकिन जो राज्य सरकार के अंतर्गत यानी कि राज्यों के जो फंड होंगे, जो कोष होंगे, वहां पैसों को दो तरह से बांटा जाता है। एक जो होता है वो विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए, और दूसरा जो होता है वो सामान्य श्रेणी के राज्यों के लिए। जो विशेष श्रेणी के राज्य होते हैं उनके लिए केंद्र सरकार के द्वारा 90% पैसा दिया जाता है, और 10% पैसा जो है वो संबंधित राज्य सरकार इस फंड के अंतर्गत जुगाड़ करती है। जो सामान्य श्रेणी के राज्य हैं वहां पर 75% जो पैसा है वो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है, और 25% जो पैसा है वो राज्य सरकारों के द्वारा जुगाड़ किया जाता है। तो पहला कथन कह रहा था कि जो राज्य हैं सामान्य श्रेणी के, उनके लिए पैसे का आवंटन केंद्र सरकार के द्वारा 50% किया जाता था। ये गलत है, क्योंकि यहां पर 25% पैसा जो है, 75% पैसा जो है वो केंद्र सरकार देती है, ना कि 50%। अगर हम बात करें दूसरे कथन का, जिसमें ये बताया गया है कि स्थानीय स्तर पर यदि आपदा आता है तो राज्य सरकार जो फंड है स्टेट के अंतर्गत उसमें से कितना खर्च कर सकती है, तो फ्रेंड्स केवल 10% ही पैसा राज्य सरकार के द्वारा अपने मन से खर्च किया जा सकता है, न कि 25%। दूसरे कथन में कह रहा था कि स्थानीय आपदा के मामले में राज्य सरकार को 25% खर्च करने की अनुमति दी गई है। जी नहीं, उसे केवल और केवल 10% ही खर्च करने की अनुमति दी गई है। कहां से? स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से। तो आपने ये जान लिया कि कौन से अधिनियम के माध्यम से इस फंड को निर्मित किया गया है, 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम के माध्यम से। केंद्र राज्य दोनों को ही एक एक कोष का निर्माण करना है। राज्यों को जो पैसा आता है, राज्यों के अंतर्गत निर्मित फंड में जो पैसा आता है वो 75, 75, 25 और 90, 10 ऐसे करके पैसा आता है। मतलब जो 75% और 90% है वो केंद्र सरकार देती है। वैसे ही जो पैसे खर्च करने की अनुमति है वो केवल और केवल 10% है, जो स्थानीय स्तर पर आपदा राज्य सरकार के द्वारा माने जाते हैं। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर का, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि दोनों के दोनों जो कथन है वो गलत है और आपको सही कथन पूछा गया था। हमारे डिस्कशन का अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहां पर दो कथन दिए गए हैं, आपको सही कथन की पहचान करनी है। पहला कथन कहता है, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड यानी कि SDRF के अंतर्गत आने वाली आपदाएं चक्रवात, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़, सुनामी, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल फटना, कीटों का हमला, ठंड और शीतलहर है। मतलब आपको ये बता रहा है कि जो आपदाएं होती हैं वो स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के अंतर्गत इन्हें माना जाता है या फिर नहीं, आपको ये चयन करना है। दूसरा कथन कहता है, गृह मंत्रालय सभी अधिसूचित आपदाओं के लिए राहत गतिविधियों की निगरानी करती है। मतलब यदि पैसे आवंटित किया जाना है किसी आपदा के बाद, तो उसकी देखरेख, उसकी निगरानी कौन करेगा? क्या गृह मंत्रालय सारे मामलों में करता है? आपको ये देखना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यदि बात करें पहले कथन का, जिसमें यह बताया गया है कि SDRF फंड के अंतर्गत जो पैसे खर्च किए जाते हैं वो इन सारे गतिविधियों में, सारे आपदाओं में किए जाते हैं, यानी कि पहला जो है वो बिल्कुल सही है। कहने का मतलब है, चाहे चक्रवात आए, चाहे सूखा आए, बाढ़ आए, सुनामी आए,
कुछ भी आए स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से पैसे खर्च किए जा सकते हैं। दूसरा, दूसरे कथन के अंतर्गत बताया गया था कि जो राज्य होते हैं उनमें आने वाली आपदाओं को सभी मामलों में गृह मंत्रालय निगरानी करता है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। निगरानी करने के लिए एक पद्धति बनाई गई है, उसके अंतर्गत जो सूखा होता है, जो सूखा होता है या फिर ओलावृष्टि होता है या फिर कीटों का हमला होता है या फिर शीतलहर होती है जिसकी वजह से खेती को ज्यादा नुकसान होता है, इसको निगरानी करने का जो कार्य है वो कृषि मंत्रालय के अंतर्गत कृषि सहकारिता विभाग को दिया गया है। मतलब अगर सूखा हुआ है कि नहीं हुआ है, ओलावृष्टि हुआ है नहीं हुआ है, शीतलहर हुआ है नहीं हुआ है, इसकी वजह से नुकसान कितना हुआ है, कितना पैसों को आवंटित किया जाए, इन सारे चीजों को लेकर फैसला कौन करेगा? कृषि और सहकारिता विभाग, जो किसके अंतर्गत आता है? कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसे याद रखेंगे। और बाकी जितने भी आपदाएं हैं जैसे कि बाढ़, चक्रवात, तूफान, भूकंप, आग लगना, इन सारे गतिविधियों को किसके अंतर्गत देखा जाता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें तो पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। हमारे डिस्कशन का अगला प्रश्न क्या कहता है? अग्रिम सूचित अनुबंध यानी कि एडवांस इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट AIA प्रक्रिया किससे संबंधित है? यूपीएससी के द्वारा इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको बताना है कि AIA कौन से संस्थान के साथ या फिर कौन से प्रोटोकॉल या कन्वेंशन के साथ जुड़ा हुआ है। आपके दिए गए ऑप्शन में बेसल कन्वेंशन, कार्टाजेना प्रोटोकॉल, रोटरडैम कन्वेंशन और नगोया प्रोटोकॉल दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे ये जो एग्रीमेंट है, ये जो अनुबंध है वो कार्टाजेना प्रोटोकॉल से जुड़ा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि LMO यानी कि लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यदि इनको एक देश से दूसरे देश में लाया या फिर ले जाया जाता है जिसकी वजह से किसी देश के मानव जीवन को नुकसान हो सकता है, तो उसको बिना अनुमति के नहीं लाया जा सकता, नहीं ले जाया जा सकता। किसको नहीं लाया जा सकता? LMO को। LMO कहने का मतलब यह होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अनुवांशिक रूप से निर्मित किए जाते हैं या फिर अनुवांशिक रूप से परिवर्तित करने के बाद फायदा उठाने की कोशिश की जाती है, उन सारे चीजों को लाने ले जाने के लिए एक एग्रीमेंट के अंतर्गत कार्य किया जाता है, और उसी एग्रीमेंट को AIA एग्रीमेंट कहा जाता है, जो कौन से प्रोटोकॉल के अंतर्गत आता है? कार्टाजेना प्रोटोकॉल के अंतर्गत आता है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। सीधे सीधे आपको यही पूछा जा सकता है, पूछा गया था कि AIA किससे जुड़ा हुआ है, ये कार्टाजेना प्रोटोकॉल से जुड़ा हुआ है, आप ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। हम चलते हैं आगे। हमारे डिस्कशन का सातवां प्रश्न क्या कहता है? पृथ्वी पहल के लिए विश्वास यानी कि फेथ फॉर अर्थ इनिशिएटिव किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? आपको बताना है कि इस इनिशिएटिव, इस पहल को किसके द्वारा शुरू किया गया है। फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे इस पहल को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण के द्वारा शुरू किया गया है। कब शुरू किया गया था? 2017 में शुरू किया गया था। ये पहल के अंतर्गत क्या किया जाता है? फ्रेंड्स, आप ध्यान रखेंगे इस पहल के अंतर्गत इस बात को पूरा करने की कोशिश की जाती है कि जो 17 SDI लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों को कौन से गतिविधि को करने के बाद पूरा किया जाए। मतलब SDG लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किस दिशा में आगे बढ़ा जाए ताकि SDG के लक्ष्यों को पूर्ण रूप से 2030 तक प्राप्त कर लिया जाए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो इनिशिएटिव शुरू किया गया है उसे ही फेथ फॉर अर्थ इनिशिएटिव कहा गया। यह किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आप याद रखेंगे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा शुरू किया गया था। इसके मुख्य तीन लक्ष्य हैं फ्रेंड। सबसे पहले ये कि उन संगठनों की पहचान करना जो संगठन SDG को प्राप्त करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं या फिर कार्य कर सकते हैं। दूसरा,
पैसे या फिर परिसंपत्ति धन इत्यादि जुटाना ताकि एसडीजी के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। और तीसरा जो लक्ष्य है वो ये कि निर्णय, नीति निर्माण, संवाद प्रतिक्रिया या फिर ज्ञान का एक ऐसा नेटवर्क बनाया जाए जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक करते हुए 17 जो एसडीजी के लक्ष्य हैं उनको 2030 तक प्राप्त कर लिया जाए। इस चीज को पूरा करने के लिए जो पहल शुरू किया गया था उसे ही फेथ फॉर अर्थ इनिशिएटिव कहा गया। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे, जैसे AIA पूछा गया था वैसे ही इसे भी पूछा जा सकता है। हम चलते हैं आगे हमारे डिस्कशन का अगला प्रश्न क्या कहता है। वेब इनार कीटनाशक पंजीकरण टूल किट किसके द्वारा बनाए रखा जाता है, यानी कि मेंटेन किसके द्वारा किया जाता है, किस चीज को, वेब इनार को किसके द्वारा पंजीकृत किया गया है और किसके द्वारा इसे मेंटेन किया जाता है, आपको यह बताना है। आपको यहां पर संस्थानों में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण WHO, FAO और यूनेस्को दिया गया है ऑप्शन में। सबसे पहले तो हम यही जानते हैं कि वेब इनर जो है वो क्या है। फ्रेंड्स, ये एक प्रकार की सूची है जिसमें उन रसायनों के बारे में लिखा गया है जिनको प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। बहुत सारे कीटनाशकों की जानकारी इसके अंतर्गत लिखी गई है, बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक खतरों के बारे में लिखा गया है, रासायनिक खतरों के बारे में लिखा गया है, यानी कि आप सीधे सीधे कहेंगे ये एक ऐसी पुस्तिका है जिसमें रसायनों से संबंधित बहुत सारी जानकारियां लिखी गई हैं। अभी ये न्यूज में क्यों आया था या फिर हम इसे डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि कीटों का बहुत ज्यादा प्रकोप देखा गया जिसकी वजह से FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि इसे मेंटेन करने का कार्य करता है, भारत को कुछ दिशा निर्देश दिए गए कि आप इन नियमों को, कुछ दिशा निर्देशों को पालन करके अपने देश में कीटों के प्रकोप को, टिड्डियों के प्रकोप को कम कर सकते हैं। इसलिए ये भी न्यूज में था और ये शंकर IAS के बुक में भी लिखा गया है, तो आप इसे ध्यान में रखेंगे। ये क्या है, कैसे कार्य करता है, आपने समझ लिया। एक अन्य बात, इन टूल को किसके द्वारा माना जाता है, तो फ्रेंड्स यूनाइटेड नेशन के जितने भी सदस्य हैं, जिन देशों ने रोटरडैम कन्वेंशन को माना है, इनको समर्थन दिया है, उन सारे देशों के अंदर FAO के द्वारा इन टूल का उपयोग करके प्रकृति को संरक्षित करने की कोशिश की जाती है, कीटों को समाप्त करने की कोशिश की जाती है जिसकी वजह से खेती को ज्यादा नुकसान न हो। तो आप ध्यान रखेंगे। हमारे डिस्कशन का अगला प्रश्न क्या कहता है। औद्योगिक रसायन और कीटनाशक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय खतरे बन गए हैं, इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहां पर आपको तीन कथन दिए गए हैं और आपको सबसे पहले बताता है कि औद्योगिक रसायन या फिर कीटनाशक जो है वो स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरे बन गए हैं, ये आपको जानकारी बताता है। और नीचे में तीन कथन देता है, इनमें से आपको सही कथन की पहचान करनी है, उसके बाद नीचे दिए गए चार ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आपको पहचानना है। ध्यान से सुनेंगे, आप निश्चित रूप से आसानी से समझ जाएंगे। पहला क्या कहता है, रोटरडैम कन्वेंशन में कीटनाशक और औद्योगिक रसायन शामिल है जिन्हें प्रतिबंधित या फिर गंभीर रूप से सीमित किया गया है। फ्रेंड्स, आप ध्यान रखेंगे, हमने अभी अभी डिस्कशन किया था रोटरडैम कन्वेंशन के बारे में, तो यहां जो जानकारी दिया गया है वो बिल्कुल सही है। वो कहता है कि इस कन्वेंशन के अंतर्गत कुछ कीटनाशक जो कि खेती के अंतर्गत यूज किए जाते हैं, कुछ औद्योगिक रसायन, उन लोगों को इस कन्वेंशन के अंतर्गत शामिल किया गया है जिनको प्रतिबंधित किया जा सकता है, जिनकी वजह से पर्यावरण को नुकसान हो सकता है, यानी कि पहला जो है वो बिल्कुल सही है। दूसरा कथन कहता है, रोटरडैम कन्वेंशन रसायनों और कीटनाशकों के नियंत्रण के लिए कानूनी रूप से गैर बाध्यकारी दायित्व है। फ्रेंड्स, ये गलत है, क्योंकि आप सोच के देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कीटनाशक ऐसे होते हैं जो तात्कालिक स्तर पर जो कीट होते हैं उनको समाप्त कर देते हैं, लेकिन लंबे समय में ये पर्यावरण के लिए भी नुकसानदेह होगा और मानव के लिए भी नुकसानदेह होगा। तो जो किसान होते हैं
उन कीटनाशकों को उपयोग कर लेते हैं। अगर ऐसा हो कि ये गैर बाध्यकारी हो तो किसान अपनी तात्कालिक हितों को सोचेगा, ना कि लंबे समय के हितों को, और किसान के द्वारा उन कीटनाशकों को उपयोग किया जा सकता है और इसकी वजह से पर्यावरण को नुकसान हो सकता है, मानवों को भी नुकसान हो सकता है। इसलिए ये एक बाध्यकारी समझौता है, ना कि गैर बाध्यकारी समझौता। दूसरा कथन गलत हो जाता है। तीसरा कथन क्या कह रहा था कि पूर्व सूचित सहमति यानी कि PIC रोटरडम कन्वेंशन से संबंधित है। देखिए ये बिल्कुल सही है। कहने का मतलब ये है, ये जो कन्वेंशन था रोटरडम कन्वेंशन, ये सबसे पहले 1998 में आता है और इसे हस्ताक्षरित किया जाता है। मतलब किस तरह से कीटनाशकों और औद्योगिक खतरनाक रसायनों को रेगुलेट किया जाए, इसके लिए कन्वेंशन कब होता है, 1998 में। कहां किया गया था यह कन्वेंशन, नीदरलैंड रोटरडैम में ही, इसीलिए इसे रोटरडैम कन्वेंशन भी कहा जाता है। यह लागू कब होता है, यह लागू होता है 2004 में। क्या भारत इसका सदस्य है? जी हां बिल्कुल है। क्या कार्य करता है आपने जान लिया। इससे पहले क्या होता था कि एक कन्वेंशन जो था वो कार्य कर रहा था, उसी कन्वेंशन को PIC कन्वेंशन कहा गया था। जैसे ही ये कन्वेंशन मतलब रोटरडम कन्वेंशन लागू होता है कीटनाशकों और औद्योगिक रसायनों के मामले में बाध्यकारी रूप से, उसके बाद PIC जो एक सहमति थी वो समाप्त हो जाती है, क्योंकि ये पहले स्वैच्छिक थी, पहले ये बाध्यकारी नहीं था, और इसे FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन प्लस यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, इन दोनों संस्थानों के द्वारा लाया गया था। जब इसे लाया गया था तो यह बाध्यकारी नहीं था। जैसे ही रोटरडम कन्वेंशन लागू होता है, इस कन्वेंशन को समाप्त कर दिया जाता है। यानी कि इस क्वेश्चन के हिसाब से हम देखें तो पहला भी सही है, तीसरा भी सही है, दूसरा गलत है। ऑप्शन सी आपको सही आंसर होगा, क्योंकि आपको सही कथन पहचान करने के लिए कहा गया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी फ्रेंड्स, आप इन सारी बातों को ध्यान में रखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि PIC यानी कि पूर्व सूचित सहमति, जो कि खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था, कब बनाया गया था, 1989 में। किसके द्वारा बनाया गया था, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम और FAO के द्वारा। इसे 2006 में समाप्त कर दिया जाता है, क्योंकि रोटरडम कन्वेंशन इसी से बेहतर कंडीशन में 2004 में लागू हो चुका था। तो इन सारी बातों को आप ध्यान में रखेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का डिस्कशन था। अच्छा सॉरी, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जैविक विविधता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि बायोडायवर्सिटी डे कब मनाया जाता है। काफी आसान क्वेश्चन है, स्टेट PCS के लिए ये सब फेवरेट होते हैं। आप याद रखेंगे बायोडायवर्सिटी डे जो होता है वो 22 मई को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। यदि मैं आपसे पूछूं फ्रेंड्स कि कोई भी दिवस क्यों मनाया जाता है, तो आप क्या कहेंगे, आप याद रखेंगे जागरूकता फैलाने के लिए इस विशेष दिन को चुना जाता है, और उस दिन कोशिश की जाती है कि लोगों को संबंधित विशेष अवसर पर किसी विशेष क्षेत्र के लिए जागरूक किया जाए। इसी के अंतर्गत यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत जितने भी दिवस घोषित किए जाते हैं वो किसके द्वारा घोषित किए जाते हैं, तो उसे भी आप याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासचिव के द्वारा घोषित किए जाते हैं, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासचिवालय के द्वारा घोषित किए जाते हैं। बायोडायवर्सिटी डे किस दिन मनाया जाता है, 22 मई को, तो आप इसे याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का डिस्कशन था, हम अपने आज के डिस्कशन को यहीं रोकते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।